हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू नेहा सेठी। ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कुछ नोटिस आया है, तो फ्रेंड्स ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी मैनेजमेंट ने भी उस इन्फॉर्मेशन की दे दी है। शो कॉज नोटिस इशूड बाई ऑनरेबल सेबी। तो सेबी ने अब फ्रेंड्स डेफिनेटली नोटिस भेजा इन्हें, और उस पर मैनेजमेंट क्या रिस्पॉन्ड करता है वो डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, आपको समझाती हूँ। बट फ्रेंड्स देखा जाए तो नेगेटिव न्यूज़ ही है। सो डॉक्यूमेंट को एक बार ओपन होने दीजिए, सो दैट आपको डिटेल्स में बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ों की इन्फॉर्मेशन सेबी को गलत लग रही है कंपनी में। तो वही फ्रेंड ट्रस्ट इशू में हमेशा आपको बोलती हूँ, शो कॉज नोटिस इशूड बाई ऑनरेबल सेबी। डियर सर मैम, इन रिस्पॉन्स टू द अबव शो कॉज नोटिस इशू टू द कंपनी एंड इट्स की ऑफिसर्स, द कंपनी हेयर बाई इन्फॉर्म स्टेक होल्डर दैट पहली प्रॉब्लम क्या है, द कंपनी हैड टेकन इम्पेयरमेंट चार्जेस इन इट्स बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2020 अमाउंटिंग टू रुपीज 868.30 करोड़। तो इतना अमाउंट का कुछ प्रॉब्लम है इनकी बैलेंस शीट में, 868 करोड़ की। द ऑनरेबल सेबी हैज ऑब्जर्व दैट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दीज चार्जेस शुड हैव बीन टेकन थ्रू द P&L स्टेटमेंट एंड हैव नॉट थ्रू द बैलेंस शीट, एंड दैट बाय टेकिंग द सेड चार्जेस नॉट थ्रू द P&L एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड हैव बीन ओवर स्टेटेड। तो प्रॉफिट में जो इन्होंने दिखाया है वो गलत दिखाया है, इसका मतलब ये है। सेकेंड है, द ऑनरेबल सेबी हैज ऑल्सो मेड ऑब्जर्वेशन दैट द स्टेक होल्डिंग पैटर्न, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द प्रोमोटर होल्डिंग इन द सेम पीरियड वर नॉट राइटली रिपोर्टेड। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी सही नहीं बताई इन्होंने। देयर आर अदर ऑब्जर्वेशन एज अ कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग डन बाय द कंपनी, और कंप्लायंस से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। ये तीन चीजों में प्रॉब्लम है सेबी को। अब मैनेजमेंट कह रहा है, वी हैव टेकन द बोर्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन स्टेटेड द डिटेल रिपोर्ट एंड बोथ BGL एंड द नॉमिनी हैव नोटेड द डायरेक्शन ऑफर्ड बाय द ऑनरेबल सेबी। तो उस पर वर्क करेंगी। द कंपनी इज टेकिंग लीगल एडवाइस इन रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल मैटर, इसके लिए लीगल एडवाइस लेगा कंपनी, एंड द कंपनी एंड इट्स की ऑफिसर्स विल रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड टू द सेट शो कॉज नोटिस अबाउट इट्स रीजन। तो रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, तो समझ जाइए अब मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। बट सेबी को क्या क्या चीज़ में गड़बड़ लग रही थी, सेबी ने क्लियरली शो कॉज नोटिस भेज दिया है। एक तो प्रॉफिट समझ जाइए, आप प्रॉफिट में कुछ प्रॉब्लम है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रॉब्लम है, और कंप्लायंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड ये तो सब इन्वेस्टर्स को पहले से ही लगता ही है इन शेयर बारे में, बट अगर अब सेबी को लग रहा है तो आप सोचिए इसमें कुछ ना कुछ क्या, इसमें पक्का सच्चाई तो है ही है। तो हम अब इसमें लोअर सर्किट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वैसे भी बोलती हूँ ये शेयर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, देखते हैं मैनेजमेंट क्या रिस्पॉन्ड करता है। मैनेजमेंट ने तो अभी घुमा के ही आंसर दिया है। थैंक यू सो मच।